गहलोत ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया, जबकि कांग्रेस हाईकमान राजस्थान कांग्रेस में सुलह की कोशिश करता रहा। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि गहलोत मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन पहले कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक होने का संकेत दिया था और पार्टी ने जताया कि पायलट और गहलोत का झगड़ा सुलझ गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सुलह के संकेत के 24 घंटे बाद ही गहलोत ने मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक दी। ऐसा लगता है कि इस बार लोग मुझे वापस रिपीट करके बताएंगे। जबकि इससे पहले रात में 4 घंटे बैठक चली। सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में सुलह का कोई ठोस फॉर्मूला नहीं बन पाया, क्योंकि पार्टी नेताओं ने बीजेपी को हराने की बात तो की, लेकिन पायलट और गहलोत का झगड़ा सुलझने के सवाल को उन्होंने घुमा दिया। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान गहलोत को सीएम पद और पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद सौंपना चाहती है, लेकिन गहलोत नहीं मान रहे। इस बीच पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर पटना रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिससे रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ और रेलवे के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। खतरे को देखते हुए जवानों ने रेलवे स्टेशन की सुरक्षा घेरे में ले लिया और वहां तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पटना रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की भी तलाशी ली गई। हालांकि सर्च ऑपरेशन में कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया, जो आरोपी के फोन का लोकेशन ट्रेस करते हुए बिहार के सहरसा पहुंची और वहां छापेमारी कर धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से मिले पेट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम को 100 में 100 नंबर दे दिए। जंग में पेट्रियट की सफलता से गदगद हुए जेलेंस्की ने दावा किया कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपनी रेंज में आने वाली 100% मिसाइलों को हवा में तबाह कर देता है, और इसके जरिए ही यूक्रेन की सेना रूस के कई बड़े हमलों को भी नाकाम कर चुकी है। जेलेंस्की ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पेट्रियट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऐसे ही दुश्मन पर कहर बरपाता रहा तो जल्द ही जंग की दिशा और दशा बदल जाएगी। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक दिन पहले ही रूस की ओर से दागी गई 11 मिसाइलों को हवा में तबाह करने का दावा किया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार और उसके अचूक निशाने से बच पाना रूसी मिसाइलों के लिए लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। इधर जापान के प्रधानमंत्री के सबसे बड़े बेटे की पीएम आवास में न्यू ईयर पार्टी की तस्वीरें सामने आने के बाद हंगामा हो गया और फुमियो किशिदा को उनसे इस्तीफा लेना पड़ा। किशिदा के बेटे उनके राजनीतिक सचिव थे। जापान की एक मैगजीन ने उनकी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ पीएम आवास में 30 दिसंबर को ही पार्टी की तस्वीरें छाप दी, जिनमें एक तस्वीर में फुमियो किशिदा के बेटे शोतारो किशिदा अपने रिश्तेदारों के साथ प्रधानमंत्री आवास की रेड कार्पेट वाली सीढ़ियों पर पोज देते दिखे। ये तस्वीर उस ग्रुप फोटो की नकल थी जिसमें फुमियो किशिदा इन्हीं सीढ़ियों पर अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ नजर आए थे। दूसरी तस्वीर में फुमियो किशिदा के कुछ रिश्तेदार उस पोडियम पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते दिखे जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जापान के प्रधानमंत्री खड़े होते हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद फुमियो किशिदा ने अपने बेटे के व्यवहार को गलत ठहराया और उनसे इस्तीफा ले लिया। उधर रेजिप तैयिप एर्दोगान के तुर्की का राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही अमेरिका ने उनसे स्वीडन की नेटो सदस्यता पर समर्थन जुटाने की कवायद शुरू कर दी। बाइडेन ने एर्दोगान को जीत की बधाई देने के लिए फोन किया और लगे हाथ स्वीडन की नेटो सदस्यता पर भी बात छेड़ दी। स्वीडन ने नेटो में शामिल होने के लिए पिछले साल अर्जी दी थी, लेकिन तुर्की उस पर अड़ंगा लगाए बैठा है और अमेरिका नेटो का कुनबा बढ़ाना चाहता है। स्वीडन अगर नेटो का हिस्सा बन गया तो अमेरिका रूस की चौखट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि स्वीडन रूस के बेहद करीब है, इसलिए अमेरिका उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए छटपटा रहा है और तुर्की से समर्थन मांग रहा है। मगर टर्की का आरोप है कि स्वीडन टर्की में आतंक फैलाने वाले कुर्द लड़ाकों को पनाह देता रहा है, जिसकी वजह से वो नेटो का सदस्य नहीं बनने दे रहा। जबकि स्वीडन ने एक साल पहले अपने पड़ोसी फिनलैंड के साथ नेटो में शामिल होने की अर्जी दी थी। बड़े मान मनोबल के बाद 2 महीने पहले तुर्की फिनलैंड की सदस्यता पर तो राजी हो गया, लेकिन स्वीडन से वो अब भी चिढ़ा बैठा है।